प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। राष्ट्रीय खेल घोटाला के मामले में सीबीआई कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के रांची बनहोरा आवास पर सुबह सुबह छापेमारी हुई है। इसके अलावा झारखंड कबड्डी एसोसिएशन सचिव विपिन कुमार सिंह के बोकारो आवास पर भी छापेमारी हुई है। बोकारो में छापेमारी कर रही टीम धनबाद से आई है। इस टीम में 4 सदस्य शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम घर के लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही कागजों को भी खंगाल रही है। रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल में घोटाला की बात सामने आने के बाद कार्रवाई करते हुए झारखंड के खेल मंत्री बंधु तिर्की को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी तब राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की को रांची के सिविल कोर्ट परिसर में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने की थी। राष्ट्रीय खेल घोटाला में यह तीसरी गिरफ्तारी। इससे पहले MS हाशमी और PC मिश्रा को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की पर धनबाद में 2 स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। स्क्वैश कोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की कंपनी जायरेक्स इंटरप्राइजेस को दी गई थी। कंपनी ने 1,44,32,850 रुपये का एस्टिमेट दिया था। आयोजन समिति के महासचिव MS हाशमी और तत्कालीन खेल निदेशक तथा सचिव की अनुशंसा के बाद इस प्रस्ताव की फाइल तत्कालीन विभागीय मंत्री बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी। बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 20 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था। इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान के कारण अनियमितता की पुष्टि हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इसकी जांच कर रही है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने बहुत चर्चित राष्ट्रीय खेल घोटाला की जाँच शुरू की है। इस कड़ी में सीबीआई पटना की टीम ने मामले में दर्ज कांड संख्या 39/10 को टेक ओवर किया है। सीबीआई ने झारखंड पुलिस के ACB से भी घोटाले से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।